के बॉलीवुड काउंटडाउन में बात करेंगे कि जूनियर एनटीआर ने मजाक बनाया मूवी एनिमल का, साथ ही सिद्धांत चतुर्वेदी करना चाहते हैं डॉन 3 और लव एंड वॉर होगी क्लैश शाहरुख खान की किंग के साथ। नमस्कार, मैं हूं भाविका और शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कितनी रही तुम्बाड़ की डे वन कलेक्शन। 13 सितंबर को री रिलीज हुई तुम्बाड़, जिसने अपने री रिलीज के डे वन पर ही 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शोहम शाह की इस मूवी ने डे वन पर कमाए 1.65 करोड़। वहीं इस री रिलीज के बाद तुम्बाड़ का सीक्वल अनाउंस कर दिया गया है। इस अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस को सीक्वल का इंतजार है। सिद्धांत चतुर्वेदी के मूवी के लिए आया स्पेशल ऑफर। सिद्धांत चतुर्वेदी और राघव जुएल की मूवी युद्रा 20 सितंबर को होने वाली है रिलीज। वहीं मूवी मेकर्स ने नेशनल सिनेमा डे पर अपने ऑडियंस के लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आए हैं, जहां युद्रा की मूवी टिकट आपको बस 99 के मिलने वाली है। वहीं सिद्धांत ने पोस्ट करते हुए लिखा, कमाल है, आए भी है तो नेशनल सिनेमा डे पर, युद्रा 7 days टू स्ले, लेट्स गो। हुई तुम्बाड़ 2 की अनाउंसमेंट। एक्टर शोहम शाह ने सैटरडे को 2018 की मूवी तुम्बाड़ का सीक्वल अनाउंस किया है। तुम्बाड़ के री रिलीज के बस 1 दिन बाद ही इस अनाउंसमेंट के बाद फैंस बेसब्री से तुम्बाड़ 2 का वेट कर रहे हैं। इस हॉरर ड्रामा मूवी को प्रोड्यूस किया है शोहम शाह फिल्म्स ने। वहीं शोहम शाह फिल्म्स ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, #तुम्बाड़2 प्रलय आएगा। करीना कपूर की मूवी की डे वन पर कितनी कलेक्शन रही। करीना कपूर खान की मूवी द बकिंगम मर्डर्स 13 सितंबर को रिलीज हुई है। हालांकि करीना कपूर की इस मूवी ने 15 सालों बाद इतनी लो ओपनिंग की है। इससे पहले करीना कपूर की 2009 की मूवी मिसेज एंड मिसेस खन्ना ने लो ओपनिंग की थी। वहीं इस मूवी की डे वन कलेक्शन रही 1.15 करोड़। इस मूवी की ऑक्यूपेंसी बस 9.99% ही थी। द रोशंस जल्दी ही होगी प्रीमियर, जहां लास्ट अमेज़न प्राइम वीडियोस पर सलीम खान और जावेद अख्तर की डॉक्यूमेंटेड सीरीज एंग्री यंग मैन रिलीज हुई थी। वहीं बॉलीवुड हंगामा रिपोर्ट्स की माने तो जल्दी ही रिलीज होने वाली है रोशन फैमिली की डॉक्यूमेंटेड सीरीज द रोशन। कंपोजर रोशन, म्यूजिशियन सन राजेश रोशन, फिल्म मेकर सन राकेश रोशन, द लेटेस्ट सुपरस्टार सन ऋतिक रोशन, इन सब मेंबर्स पर बनने वाली है डॉक्यूमेंट्री, जो रिलीज होगी नेटफ्लिक्स पर दिसंबर में। रिलीज हुआ द ग्रेट इंडियन कपिल शो का प्रोमो। कपिल शर्मा का शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो का जल्द ही सेकेंड सीजन आ रहा है, जिसका हाल ही में प्रोमो रिलीज किया गया। ये सीजन नेटफ्लिक्स पर 21 सितंबर को प्रीमियर किया जाएगा। प्रोमो में आलिया भट्ट, करण जौहर, सैफ अली खान, रोहित शर्मा एंड जूनियर एनटीआर नजर आ रहे हैं। वहीं फर्स्ट एपिसोड में नजर आएंगी आलिया भट्ट और वेदांग रायना अपनी मूवी जिगरा का प्रमोशन करते हुए। 25 साल पूरे होने पर एक्टर के नाम से रखा गया फिल्म फेस्टिवल। इंडियन सिनेमा की जानी मानी एक्ट्रेस करीना कपूर खान को इस इंडस्ट्री में 25 साल पूरे हो गए हैं। वहीं पिंकवाला रिपोर्ट्स की माने तो करीना कपूर के नाम से फिल्म फेस्टिवल अनाउंस हुआ है उन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए। वहीं करीना से पहले 2 और एक्टर दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन को ट्रिब्यूट दिया गया था उनके फिल्म फेस्टिवल नेम से। टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगी प्रीमियर ये फिल्म। डायरेक्टर रीमा एंड प्रोड्यूसर जोया अख्तर की फिल्म सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव प्रीमियर होगी टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 13 सितंबर को। इस फिल्म में नजर आएंगे शशांक अरोरा, आदर्श गौरव, विनीत कुमार सिंह, मंजरी एंड अनुज धवान। ये कहानी एक एंथुजियास्टिक फिल्म मेकर की, जो स्मॉल टाउन से बिलोंग करता है और अपने गाँव वालों को इंडस्ट्री में जाने के लिए मोटिवेट करता है। फ्रांस में वैकेशन मनाते हुए नजर आए निक जोनस एंड प्रियंका चोपड़ा। एक्टर प्रियंका चोपड़ा एंड हर सिंगर हस्बैंड निक जोनस दोनों अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर वैकेशन पर गए हैं। वहीं निक जोनस एंड प्रियंका चोपड़ा ने वैकेशन की पिक्चर शेयर की है, साथ ही कैप्शन में लिखा है, वन फॉर द बुक फॉर श्योर, द परफेक्ट पॉज विद द लव्स ऑफ माई लाइफ, नाउ रेडी सेट गो, और टैग किया है साउथ ऑफ फ्रांस को। नहीं नजर आए अहान पांडे अलाना के वीडियो में। रिसेंटली अलाना पांडे और उनके हस्बैंड ने अपनी फैमिली को सरप्राइज किया है और अपने यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो शेयर की, जिसका टाइटल है सरप्राइजिंग माय फैमिली विद बेबी। वीडियो में हर एक फैमिली इमोशनल होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अलाना पांडे के भाई अहान इस वीडियो में नजर नहीं आए हैं। बताया जा रहा है कि वो अपनी डेब्यू फिल्म की शूटिंग करने में बिजी हैं। वरुण धवन ने जानवी कपूर के साथ शर्टलेस पोज किया। वरुण धवन अभी अपनी रीसेंट फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में बिजी हैं। वहीं वो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर करते हैं जानवी कपूर के साथ कुछ फन मोमेंट्स। पिक्चर में वरुण धवन शर्टलेस हैं, साथ ही जानवी कपूर ने कैजुअल टी शर्ट्स पहनी है। दोनों डाइनिंग टेबल पर नजर आ रहे हैं, जिसके कैप्शन पर वरुण धवन ने ब्रेकफास्ट क्लब। बादशाह लॉन्च कर रहे हैं अपना म्यूजिक चैनल। सिंगिंग, रैपिंग और म्यूजिक के लिए जाने जाते हैं बादशाह, जहां बादशाह म्यूजिक के अलावा बिजनेस वेंचर्स में भी इन्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं। वो अलग अलग वेंचर्स ट्राई करते हैं, फार्मास्यूटिकल हो या फिर अल्कोहलिक बेवरेजेस, उन्होंने हर वेंचर ट्राई किया है। वही MTV के फॉलआउट के बाद बादशाह अपना नया म्यूजिक चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं।
जूनियर एनटीआर ने मजाक बनाया मूवी एनिमल का। एनिमल मूवी के डायरेक्टर संदीप रेड्डी अपने फ्रेंड तेलुगु स्टार जूनियर एनटीआर की अपकमिंग मूवी के रिलीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। जूनियर एनटीआर की मूवी देवरा पार्ट 1 इसी मंथ रिलीज होने वाली है। वहीं संदीप रेड्डी ने एक फन चैट शो होस्ट किया जिसका टीजर अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया और कहा फुल वीडियो संडे को रिलीज किया जाएगा। फिर में संदीप जूनियर एनटीआर सैफ अली खान जानवी कपूर से कुछ फन क्वेश्चंस करते हैं। जब वो जूनियर एनटीआर से पूछते हैं व्हाट इज द रन टाइम ऑफ देवरा, तो इस पर जूनियर एनटीआर कहते हैं व्हाट इज द रन टाइम ऑफ एनिमल सर। और उसके बाद संदीप जब सैफ से पूछते हैं कि आप अपनी एक लाइन कहो, तो इस पर सैफ कहते हैं मुझे पता ही था कि आप जरूर पूछोगे। उनसे ये भी पूछा जाता है कि क्या वो पार्ट 1 में है तो क्या पार्ट 2 में भी नजर आएंगे। ये मूवी जूनियर एनटीआर की 30th फिल्म होने वाली है। वहीं ये मूवी जानवी कपूर एंड सैफ अली खान की साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू फिल्म होने वाली है। सिद्धांत चतुर्वेदी करना चाहते हैं डॉन 3। गली बॉय फेम सिद्धांत चतुर्वेदी की जल्द ही अपकमिंग फिल्म युद्रा रिलीज होने वाली है। वहीं न्यूज 18 के साथ बातचीत में सिद्धांत चतुर्वेदी बताते हैं कि वो फरहान अख्तर की मूवी डॉन 3 करना चाहते हैं। उनका कहना है कि वो डॉन बचपन से ही करना चाहते थे। साथ ही उन्होंने बताया कि क्यों युद्रा में डिले हुआ। उनका कहना है कि युद्रा 2020 के अगस्त में ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन उस टाइम पेंडेमिक की वजह से शूट में डिले हो गया। इस वजह से ही मूवी 20 सितंबर 2024 को रिलीज होगी। और अच्छा ही है ये मूवी उस टाइम नहीं बनी, मैंने गहराइयों और बंटी बबली 2 में काम किया। युद्रा के लिए बहुत ज्यादा प्रिपरेशन चाहिए था, बिग क्रू चाहिए था, इवन शूट्स भी इंटरनेशनल लोकेशंस पर होने थे, इसलिए मूवी डिले हो गई। युद्रा सिनेमा घरों में 20 सितंबर को रिलीज की जाएगी। मेकर्स ने अनाउंस किया कि मूवी नेशनल सिनेमा डे पर रिलीज होगी, इसलिए मूवी की टिकट सिर्फ 99 रुपीज में होने वाली। लव एंड वॉर होगी क्लैश किंग के साथ। पठान, जवान, डंकी जैसी हिट मूवी देने के बाद शाहरुख खान जल्द ही नजर आएंगे अपनी अपकमिंग मूवी किंग में। सुजोय घोष की फिल्म किंग में SRK के साथ नजर आएंगी उनकी डॉटर सुहाना खान। ये सुहाना खान की बॉलीवुड डेब्यू मूवी होने वाली है। वहीं खबरों की माने तो ये मूवी 2026 में ईद के दिन रिलीज हो रही है। वहीं संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म लव एंड वॉर 2025 के क्रिसमस में रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया है ईद 2026 तक के लिए। मेकर्स ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हुए कहा मार्क योर कैलेंडर्स, संजय लीला भंसाली मैग्नम लव एंड वॉर इज सेट टू रिलीज ऑन 2026। इस वक्त लॉन्गेस्ट हॉलीडे होने वाला है विद फेस्टिवल ऑफ रमजान, रामनवमी एंड गुड़ी पाड़वा। बताया जा रहा है कि इंडिया बिगेस्ट सिनेमेटिक मास्टरपीस होने वाली है। इससे पहले 2007 में SRK की ओम शांति ओम और संजय लीला भंसाली की मूवी सावरिया ने एक साथ क्लैश किया था। साथ ही 2015 में शाहरुख खान की मूवी दिलवाले एंड संजय लीला भंसाली की मूवी बाजीराव मस्तानी क्लैश हुई थी। ऐसा तीसरी बार होगा जब SRK की मूवी किंग और भंसाली की मूवी लव एंड वॉर क्लैश होगी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज और अपडेट सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।